हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुलशन कुमार साहू है। सीजीपीएससी 2020 संयुक्त वन सेवा परीक्षा में मेरा पहला स्थान आया है। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं अपना बुक लिस्ट शेयर करूं, तो मैं पेपर वन, पेपर टू का पेपर वार अपना जो बुक्स है उसका लिस्ट मैं आप लोग के समक्ष बता रहा हूं। तो जैसे पेपर वन, इसमें तीन सेक्शन है। पहला जो छत्तीसगढ़ का जीएस है, उसके बाद फिर लैंग्वेज है जिसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश है, उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग का तीसरा सेक्शन है। तो पहला जो सेक्शन छत्तीसगढ़ के लिए, इसके लिए मैंने हरिराम पटेल सर का बुक यूज़ किया है, ज़्यादातर मैंने उसी से ही पढ़ा है, और जो थोड़ा बहुत जो है उसको मैंने कंपटीशन कम्युनिटी से थोड़ा सा अपडेट किया है, काफ़ी कम। दूसरा है फिर लैंग्वेज वाला पार्ट, इसमें तीन सेक्शन है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश। हिंदी के लिए और छत्तीसगढ़ी के लिए मैंने विनय कुमार पाठक यूज़ किया है, और इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैडम का है, केडी पब्लिकेशन का, केडी कैंपस, इसका बुक यूज़ किया है। और साथ ही मैंने, चूँकि मैं पिछले चार पांच बार से मेंस दे ही रहा था, पिछले पांच बार से मेंस दिया था, इस समय मैंने टुटेजा का बुक लैंग्वेज के लिए यूज़ किया था। तो जो सिंगल वर्ड्स वाले जो हैं, जैसे समानार्थी शब्द है, विलोम है, पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, ऐसे चीज़ों को मैंने टुटेजा से भी कवर किया था। उसके बाद फिर जैसे एप्टीट्यूड रीजनिंग है, इसके लिए आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी बुक आप यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद मैं मेनली मैं पेपर टू के जो बुक लिस्ट है उसमें ऊपर ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा। पेपर टू में जैसे 7 सेक्शन है, तो टोटल 150 क्वेश्चन है, तो लगभग एक सेक्शन से 21 से 22 क्वेश्चन आना है। पहला अगर हम फिजिक्स को लेते हैं, तो फिजिक्स सबसे पहले मैं बायो को लेता हूँ, तो बायो को मैंने जायसवाल सर का क्लास किया हुआ था, बायो को मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स किया, उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ। कुछ कुछ मैंने क्वेश्चन नीट वगैरह के किए, लेकिन ज़्यादातर चीज़ मैं क्लास का ही करके मैं कवर कर लिया था। दूसरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है वन ऑफ द बेस्ट एनसीईआरटी है, आप उसमें से कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैंने क्लास किया था, उसमें का क्लास नोट फॉलो किया था। फिजिक्स का भी है कि क्लास मैंने किया हुआ था, साथ साथ में एनसीईआरटी किया था, ये चीज़ें। फिजिक्स में एक चीज़ और मैंने किया था कि कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो बुक से मेरे क्लियर नहीं हो रहे थे, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने फिजिक्स वाला एक चैनल है यूट्यूब में, तो उसमें पहले एक चैप्टर वाइज क्लास चलता था, चैप्टर वाइज उसमें क्लास चलेगा, उसमें फिर चैप्टर वाइज उसमें दो पीडीएफ भी रहता था, एक पीडीएफ उसमें रहता था सिर्फ थ्योरी का, और दूसरा पीडीएफ रहता था उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब सॉल्व भी रहता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ नीचे उसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी रहते थे। तो फिजिक्स के लिए मैंने उन दोनों चीज़ों को यूज़ किया था, उसमें भी पूरा नहीं, जो चीज़ जैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि सीरीज या पैरेलल में अगर हम कोई बल्ब को लगा दें तो कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा, कौन सा कम जलेगा, ऐसा जो क्वेश्चन आता था, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे दो चार और कॉन्सेप्ट जो भी मिलेंगे, अगर वो एनसीईआरटी से समझ नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप फिजिक्स वाला का नोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी शायद वो अपने यूट्यूब वाले जो वीडियो है उसके नीचे में जो लिंक देते थे उससे उसको हटा लिए हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में भी है कि केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी कर लेंगे और क्लास कर लेंगे। एनवायरमेंट के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक यूज़ किया था, परीक्षावाणी का जो बुक है उसमें पहले थ्योरी दिया है, फिर ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो सीधा आपको बुक उठा के पढ़ना चालू नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि पिछले दो साल में कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रही है, सभी सब्जेक्ट्स में आपको लागू करना है। अब इसमें जैसे आप एनवायरमेंट के, मैंने पिछले दो साल के पेपर को बेस माना और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे उसको परीक्षावाणी के अपने बुक में खोज खोज के रख लिया था, तो उससे एक फोकस पता चल जाता था कि मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है। और एक बार जब आप जैसे परीक्षावाणी के पीछे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वे जनरली ऐसे क्वेश्चन है जो अदर स्टेट्स के जो पेपर हैं या ऑल इंडिया लेवल में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जनरली वो पूछे गए सवाल हैं। तो ऐसे चीज़ों को आप जब बुक निकालेंगे तो आपको डायरेक्ट थ्योरी पढ़ना चालू नहीं करना है, एक बार आप सरसरी निगाह से एक एक बार आप देख लेंगे, देखने से आपको यह फायदा होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ पर आपका ध्यान चला जाएगा। तो जब आप थ्योरी पढ़े उस टाइम आपको याद नहीं करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बस आप एक ओवरव्यू लेंगे कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उन सब सेक्शंस में आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा और आपको याद होना चालू हो जाएगा। तो ये एनवायरमेंट के लिए। सिमिलर टेक्नोलॉजी के लिए मैंने परीक्षा मंथन बुक का यूज़ किया है। परीक्षा मंथन में जो हमारा एजीएफ रेंजर का जो सिलेबस है, आपको कोई बुक बहुत अच्छा नहीं मिलेगा जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, तो परीक्षा मंथन को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स मिल गए, जैसे उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको उस बुक में मिल जाएगा। उसके चैप्टर के पीछे में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो आप क्वेश्चंस को देख लेंगे, उसके हिसाब से थ्योरी पढ़ेंगे, और पहले बार जब आप देखते हैं क्वेश्चन को आपको सीधा याद नहीं करना है, आपको एक ओवरव्यू लेना है, उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन दिए हैं उसमें, तो इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं कि जैसे आप नॉर्मल एक सर्च किए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वन डे एग्जाम, वैसे फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा खोज लिए, तो वैसा जब आप खोजेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यूट्यूब में एक बार सुन लेंगे उन सब चीज़ों को, तो आपको काफ़ी सारे और क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
उसके अलावा टेक्नोलॉजी में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, तो आप नॉर्मल यहाँ पे इंटरनेट का सहायता लेंगे, इंटरनेट में आप नॉर्मल टॉपिक्स खोजें। और ऐसे टॉपिक्स में मेरा ये स्ट्रेटजी था कि इजी और मीडियम क्वेश्चंस वो मेरे बन जाए, टफ क्वेश्चन आए तो मत बने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस अब काफी लोग से नहीं बनेंगे तो ऐसे में दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चंस सभी लोग बना रहे हैं इजी और मीडियम, उसको हमको बनाना ही है, और कुछ क्वेश्चन टफ फॉलो करना है। लेकिन ऐसा सेक्शन जो किसी बुक में मिल ही नहीं रहा है तो ज्यादातर लोग उसको नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे चीज़ों को टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का कवर करना है। उसके बाद जो सबसे मेन जो चीज़ है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, जो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, इसको अपने याद करना है। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने यूज़ किया था नेमरा सुंडा का बुक, उसके लिए उसका दो बुक आता है, ऑब्जेक्टिव का भी आता है और एक जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके बाद फिर थ्योरी रहता है। तो मैंने उसका ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक लिया। और जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको सीधा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो सीधा सॉइल साइंस अगर मैं चालू किया तो डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ना चालू नहीं करना। सबसे पहले आप उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे, वन लाइनर को क्वेश्चंस को देखें तो आपको थ्योरी में ये चीज़ मिल जाएगा कि किन किन सेक्शन से मेरे फोकस करना है। तो उसी बेसिस में आप थ्योरी को पढ़ेंगे, और जो चीज़ है जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे तो एक बार फिर वापस वन लाइनर क्वेश्चन में आएंगे, अब उन चीज़ों को आप याद करना चालू कर देंगे। जैसे इसी चीज़ में एक एग्जांपल मैं थोड़ा पहले और दिया था कि काफ़ी सारे, जैसे सॉइल साइंस चालू के आपको फर्टिलाइजर वाला सेक्शन आया, तो फर्टिलाइजर में काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स हैं। अब हर एक फर्टिलाइजर में कौन सा कंपोनेंट कितना परसेंटेज है, ये चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते। जबकि एग्जाम में क्या पूछेगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, डीएपी में फॉस्फोरस का परसेंटेज कितना है। तो ये सब चीज़ों को आपको करने के लिए सबसे पहले वन लाइनर चीज़ों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से आपको समझ आ जाए कि इस फर्टिलाइजर में इस सेक्शन को अपने को याद रखना है, बाकी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपका पोटेंशियल है चीज़ों को याद करना तो आप याद भी कर सकते हैं। तो और ये चीज़ है। उसके बाद जैसे फॉरेस्ट्री में है, तो फॉरेस्ट्री मैंने दो बुक यूज़ किया है, पहला ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री के लिए केटी पार्थिबन और सब्जेक्टिव के लिए मणिकंदन एंड प्रभु। तो उसमें भी सिमिलर स्ट्रेटजी अपनाना है। मैंने पढ़ंतु का लेक्चर भी देखा था, पढ़ंतु का लेक्चर देखने से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा सब्जेक्ट का, कि लगभग वो 20-22 घंटे का लगभग लेक्चर होगा। तो 20-22 घंटा जब आप देख लेंगे तो आपको जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं फॉरेस्ट्री के, सिल्वीकल्चर क्या है, गडलिंग क्या है, पोलार्डिंग क्या है, स्टम्प क्या है, कैनोपी क्या है, कैनोपी डेंसिटी क्या है, क्राउन क्या है, ऐसे जो टेक्निकल जो टर्म्स है ये सब आपको चीज़ें समझ आना चालू हो जाएगा। शेल्टर वुड सिस्टम क्या है, फिर अलग अलग उसका कटिंग सिस्टम होता है, कोपाइसिंग अलग अलग होता है, ये सब चीज़ें क्या है। तो जब आप उस लेक्चर में देखेंगे तो आपका एक बेसिक नॉलेज एक हो जाएगा। उसके बाद आप पार्थिबन में गए, पार्थिबन बुक में आप जब कोई भी चैप्टर जैसे चालू करते हैं, जैसे पहला चैप्टर है उसमें दूसरा चैप्टर है सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर में उसमें 15-17 पेज का कुछ थ्योरी दिया होगा, बाकी जो चैप्टर उसमें कम थ्योरी दी, जैसे उसमें है एग्रोफॉरेस्ट्री अगर आप चालू किए तो एग्रोफॉरेस्ट्री फिर 4-5 पेज का थ्योरी देगा। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लिए, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश किए, जितना बना बना। अब जब आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी सारे फिर से सेक्शन समझ आ जाए कि हाँ ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। अब उन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे मणिकंदन से, आपको पूरा मणिकंदन पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने जैसे पढ़ा था तो लगभग अगर जितना पेजेस होंगे मणिकंदन में तो लगभग उसका हाफ पढ़ा था, बाकी चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया था। जो जो ऑब्जेक्टिव में इसको मिलते गए ऐसे सेक्शन में फोकस करके मैं पढ़ा, बाकी चीज़ों को पूरा स्किप कर दिया था। लेकिन अगले बार जब भी फॉरेस्ट का एग्जाम होगा तो मैं यह सजेस्ट करना चाहूँ कि आप मणिकंदन की बुक को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम लोग का जो प्रिपरेशन था पहली बार फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर शामिल हुआ तो उम्मीद यह था कि जो अदर स्टेट में जिस टाइप का पेपर पूछ रहे हैं या फिर ऑल इंडिया लेवल में जो अदर एग्जाम्स है उसमें जैसा पूछ रहे हैं उसी पैटर्न में आएगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के मणिकंदन फोकस था। तो थोड़ा सा आप लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर टाइप का उसको तो आप करना ही करना है, जो लेंदी ऑब्जेक्टिव्स ने उन सब चीज़ों को, साथ ही साथ मणिकंदन से आपको कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझते हुए चलना है। तो इस तरह से प्रिपरेशन करना है। और साथ ही जब आप पेपर टू का कुछ भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि पुराने जो पेपर्स हैं उसको बेस मान के चलिए किसी भी सब्जेक्ट्स में। जैसे आप फिजिक्स में हैं, केमिस्ट्री में हैं, केमिस्ट्री में जैसे मैं एक सेक्शन बताया कि जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाले सेक्शन से पहले बार फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछा, सेकेंड टाइम में उस सेक्शन से फिर से पूछा कि कौन सा इसमें मॉलिक्यूल है जो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। अगर आप पहले बार वाला पेपर सॉल्व किए हैं तो उसमें आपको गलत नहीं करना चाहिए सेकंड टाइम में, और फिर भी अगर गलत होता है तो हमारा तैयारी फिर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो अब जब आप पेपर देंगे तो आपके पास 3 साल का पेपर है, तो 3 साल का बेस रखिए, जिस कॉन्सेप्ट से सवाल आ रहा है उसको तो आपको करना ही करना है, और उसके अगल बगल में थोड़ा बहुत और पढ़ लेना। सिमिलर काफ़ी लोग फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल वाला जो चीज़ है उससे रहता है कि हम न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आप काफ़ी हद तक जब आप एनालाइज करेंगे तो आप गैस कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन से आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, या तो वो ओम्स लॉ से देगा विकस टू आई आर, या फिर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था आर इक्वल टू रो एल बाई ए, कि कभी एरिया को कम कर दिया, कभी बढ़ा दिया, कभी लेंथ को बढ़ा दिया घटा दिया, इन सब चीज़ों से पूछ लेगा। या फिर जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स हैं वहाँ पे स्ट्रेट करंट का कंडक्टर है, उसके बाद सॉलिनॉइड है, फिर लूप है, तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अब उनसे रिलेटेड या तो क्वेश्चंस पूछ देगा।
जैसे सेकंड टाइम का जो फॉरेस्ट का पेपर हुआ था, फर्स्ट है या सेकंड है, जिसमें भी एक क्वेश्चन आया था जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर थे, कंडक्टर से था। नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए रहता है, लेकिन वहाँ पर उसको फाइनाइट कर दिया। तो जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाए कि चीज़ों को हल्का सा ही घुमाया है वो। जब आप उसमें से चार पाँच क्वेश्चन देख लेंगे तो उसके बाद अलग अलग एक ही फॉर्मूला से जो दो तीन अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप वो सब चीज़ें भी आप सही करना चालू कर देंगे। वैसे ही फिर जैसे फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल के तौर पे और देखें तो एक वो वाला होता है कि सीरीज या पैरेलल में हम दो बल्ब को कनेक्ट कर दिए हैं, अब कौन सा ज़्यादा चलेगा, या फिर बैटरी को अपन चार्ज में लगा दिए हैं फिर चार्जिंग होगा कि डिस्चार्ज होगा, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं। तो न्यूमेरिकल वाले जो सेक्शन है उसको आप गेस कर सकते हैं। एक और उसमें जैसे है कि मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, तो जनरली उसमें आगे पीछे करके वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो नॉर्मली जहाँ से उसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको आप गेस कर सकते हैं, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल से डरने का जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप इन्हीं कुछ टॉपिक्स को अगर आप फोकस कर लेंगे तो मान के चलिए अगर चार क्वेश्चन आता तो आप तीन क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। और साथ ही साथ आप दूसरे स्टेट के जो ए सी फॉर रेंजर के पेपर है, जैसे मैंने हॉर्नबिल क्लासेस का मैंने कुछ क्लासेस कहीं नहीं किया था, लेकिन हॉर्नबिल क्लासेस के में उसमें मुझको एक कंपाइलेशन मिला था जिसमें अदर स्टेट्स के ए सी फॉर रेंजर के पेपर थे, जैसे तमिलनाडु का था, उड़ीसा का था, महाराष्ट्र का था, एमपी का था, ऐसे असम का था। तो ऐसे अलग अलग स्टेट से कुछ कुछ पेपर हैं, उसमें बी एच यू का भी कुछ पेपर था। जैसे बी एच यू जब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए जब एंट्रेंस लेता है तो उसके भी पेपर्स थे। तो जब आप उन सब पेपर्स को भी एक एक बार देख लेंगे, एक एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपको हर एक सब्जेक्ट्स में चीज़ों को कहाँ फोकस करना है, क्या फोकस करना है, उन सब चीज़ों में आपका दिमाग चलने रहेगा, और आपको थ्योरी को उसी के इर्द गिर्द ही पढ़ना है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में सीधा बुक उठा के पढ़ना चालू नहीं करना, सबसे पहले आपका एनालिसिस होना चाहिए कि पिछले तीन साल में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, उसको आप बुक में खोज लेंगे वहाँ वहाँ से, और उन चीज़ों में आपको ज़्यादा फोकस करना है। और पूरा तैयारी इसी बेसिस में करेंगे पिछले तीन साल को बेस करके, तो काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी भविष्य में अगर किसी को भी किसी प्रकार का ज़रूरत पड़ता है तो बिल्कुल आप लोग निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।